स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। तीन ऐसे खिलाड़ियों के बारे में आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई, इसके अलावा पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम के लिए खेला, यानी दोनों टीमों की नेशनल टीम में जगह बनाई। दोनों देशों की नेशनल टीम में जगह बनाने वाले वो तीन खिलाड़ी कौन हैं उनके बारे में बताऊँगा, उनके इतिहास, उनके रिकॉर्ड के बारे में बताऊँगा और ये भी बताऊँगा क्यों उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी, क्यों वो पाकिस्तान चले गए, क्यों भारत की तरफ से नहीं खेले, पाकिस्तान क्यों चले गए। ये तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं उन तीनों खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने भारत की तरफ से अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की, अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से खेलने लगे बाद में चलकर। वो कौन खिलाड़ी, पहले बात करूंगा आमिर इलाही की। आमिर इलाही ने भारत की तरफ से एकमात्र टेस्ट मैच खेला था, वो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने खेला था, सिडनी के ग्राउंड पर मुकाबला खेला था। वो कब खेला था, 1947 में उन्होंने खेला था ऑस्ट्रेलिया में जाकर। उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले हैं। उनके बारे में बताऊं, उन्होंने जो 5 टेस्ट मैच खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से एक टेस्ट मैच खेला, उसमें क्या कुछ कहा। आमिर इलाही के बारे में बताना चाहूँगा, 1 सितंबर 1908 को उनका जन्म लाहौर में होता है और उनका जो निधन होता है वो 28 सितंबर 1980 में 72 साल की उम्र में उनका निधन हो जाता है। 6 मैच उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में खेले, एक मुकाबला भारत की तरफ से खेला है। उन 6 मैचों के 9 पारियों में एक बार वर्तमान आट आउट रहते हुए 82 रन बनाए हैं, जिसमें 47 उनका हाइस्ट स्कोर रहता है, 10.25 के उनका जो औसत रहता है टेस्ट मैच में रन बनाने का। दूसरा खिलाड़ी कौन है, दूसरा खिलाड़ी वो है जिसे कहते हैं गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद की रोचक कहानी आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं गुल मोहम्मद ने पहले भारत की तरफ से 8 टेस्ट मैच खेला, 1946 से लेकर 1955 तक भारत की तरफ से खेला, लेकिन 1955 के बाद उनके दिमाग में क्या कुछ होता, क्या होता, उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। 1956 में पाकिस्तान की तरफ से मात्र 1 टेस्ट मैच उन्होंने खेला था। उनके बारे में बताऊं तो उन्होंने जो 1946 से लेकर 1947-48 तक जो उन्होंने जो खेला मुकाबला उसके बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले बता दूं, सबसे पहले उन्होंने उनका जन्म होता है, कब होता है उनका जन्म होता है गुल मोहम्मद का, 15 अक्टूबर 1921 को लाहौर में जन्म होता है, जबकि उनका देहांत होता है यानी उनका इंतकाल होता है 8 मई 1992 में, उनका इंतकाल हो जाता 70 साल की उम्र में। उनके बारे में बताऊं तो उन्होंने जो मुकाबले खेले 9 टेस्ट मैच खेले, 9 में से 8 भारत की तरफ से खेले, 9 टेस्ट मैचों के 17 पारियों में उन्होंने एक मरतबा नॉट आउट रहते हुए 205 रन बनाए, जिसमें से 34 उनका हाइस्ट स्कोर 12.81 के औसत से उन्होंने रन बनाए। अब उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, पाकिस्तान में जिसकी बेहद इज्जत है क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट के लिहाज से, क्रिकेट के इतिहास में, हालाँकि उन्होंने भारत की तरफ से अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी और 3 टेस्ट मैच उन्होंने खेला था, वो नाम कौन है हमारे में से बहुत से लोग जानते होंगे जो क्रिकेट को अच्छी तरह फॉलो करते हैं, जो क्रिकेट को करीब से जानते हैं, क्रिकेट के इतिहास को जानते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट के इतिहास को जानते हैं, वो नाम जानते होंगे अब्दुल हाफिज कारदार का, जिन्होंने भारत की तरफ से 3 टेस्ट मैच खेला था। उनके बारे में बताना चाहूँगा, 1946 में उन्होंने भारत की तरफ से 3 टेस्ट मैच खेला था, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने 23 टेस्ट मैच 1948 से लेकर 1958 तक 23 टेस्ट मैच खेले, अपने 26 टेस्ट मैचों में 23 टेस्ट मैच पाकिस्तान की तरफ से, 3 टेस्ट मैच भारत की तरफ से उन्होंने खेला था। 1972 से लेकर 1977 तक पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम की जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके चेयरमैन भी वो रहे हैं। उनके बारे में बताऊं, 26 टेस्ट मैचों को उन्होंने 42 पारियों में 3 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 927 रन बनाए थे, 93 के उनका जो सबसे ज़्यादा हाइस्ट स्कोर है 23.76 के औसत से उन्होंने रन बनाए, 5 अर्धशतक लगाए। अब्दुल हफीज़ कारदार का जन्म लाहौर में 17 जनवरी 1925 को होता है। उसके बाद पाकिस्तान जाते हैं, जब पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं उसके बाद पाकिस्तानी राष्ट्रीय टीम में सिलेक्शन कमेटी में आते हैं और भी कई भूमिका वो निभाते हैं। उनका इंतकाल होता 70 साल की उम्र में 1992 में उनका इंतकाल हो जाता है। वो न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए गेंद बल्लेबाजी की बल्कि गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल किया था। उन्होंने जो 23 टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान तरफ से, 3 टेस्ट मैच भारत की तरफ से खेले, उसमें 21 विकेट भी अपने नाम दर्ज किए। दोस्तों इसी तरह का लगातार जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल आज मैंने पाकिस्तान की तरफ से खेलने वाले उन तीन खिलाड़ियों के बारे में बताया, गुल मोहम्मद, आमिर इलाही और इसके अलावा अब्दुल हफीज़ कारदार, जिन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत भारत से की थी, लेकिन उन्होंने बंटवारे के बाद
पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी, पाकिस्तान चले गए थे। उनमें से गुल मोहम्मद एक ऐसे खिलाड़ी 1955 में पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान की नागरिकता ले लेते हैं, इसलिए उसके बाद से वो पाकिस्तान तरफ से खेलते हैं, पाकिस्तान में उनका देहांत होता है। दोस्तों लगातार इसी तरह की जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए कि हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।